दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे में कुछ कुछ चीज़ें जो है दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन के सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मतलब दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों फिर भी हम लोग वो चीज़ को करते हैं। कभी दोस्तों क्या होता है कि जानबूझ के करते हैं, कभी दोस्तों अनजाने में कर देते हैं, कभी दोस्तों क्या होता है कि मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों कोई ना कोई कारण से हम लोग वो चीज़ को हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ हम लोग कर देते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही गलत बात है, नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों मोबाइल फ़ोन के परफॉर्मेंस के ऊपर या दोस्तों मोबाइल फ़ोन के जो बैटरी लाइफ के ऊपर दोस्तों बहुत ही बुरी असर पड़ता है। तो दोस्तों इसी के बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे कि आखिर ऐसे क्या क्या चीज़ हमारे मोबाइल फोन के साथ हम लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में जो भी चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ये सारे चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग से एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि अगर सारे चीज़ को एक वीडियो के अंदर आपको समझाया जाए तो दोस्तों क्या होगा कि आपको एक वीडियो में ही सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, एक वीडियो से आपको काम चल जाएगा। इसलिए दोस्तों सारे चीज़ को कंबाइन करके इस वीडियो आपके सामने में ले आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बातें करने वाले हैं कि आखिर ऐसे क्या क्या चीज़ हमारे मोबाइल फोन के साथ हम लोगों को नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात तो ये है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन का बैटरी 20% होने से पहले ही चार्ज में लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आपका मोबाइल फ़ोन का बैटरी 20% हो जाता है उसका बाद भी दोस्तों अगर आप अपना मोबाइल को यूज़ करते रहेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन का बैटरी पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गेम खेलते रहते हैं और ऐसे में जो है मोबाइल फ़ोन का बैटरी 20% से नीचे हो गया, लेकिन दोस्तों उसको देखते हुए भी दोस्तों हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, दोस्तों गेम को दोस्तों खेलते रहते हैं। कभी कभी बात करते करते भी हम लोग ऐसे कर देते हैं कि मोबाइल का बैटरी 20% से नीचे हो गया, लेकिन दोस्तों फिर भी हम लोग बातें करते रहते हैं। दोस्तों ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन का बैटरी के ऊपर बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरी इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है, जैसे कि दोस्तों आप कहीं बाहर में हैं, आपके पास चार्ज करने का साधन नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि इमरजेंसी कॉल आ गया तो दोस्तों आपको उसको रिसीव करना पड़ेगा, आपको बात उस ऐसे में करना ही पड़ेगा। मतलब दोस्तों कभी कभी आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों बन जाएगा, लेकिन दोस्तों कंटिन्यू आप ऐसा मत करिए। मतलब दोस्तों आप जो है मोबाइल फ़ोन का बैटरी आपका जो 20% से कम होने से पहले दोस्तों आप अपना मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगा दीजिए। और दोस्तों आप अपना मोबाइल फ़ोन को हमेशा से सही तरीके से चार्ज करने की कोशिश करिए, कभी दोस्तों आप अपना मोबाइल फ़ोन को गलत तरीके से चार्ज ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे में भी दोस्तों आपको मोबाइल के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भाई मोबाइल फ़ोन चार्ज करने का सही तरीका गलत तरीका क्या होता है, भाई चार्जर तो करना है, इसमें सही गलत क्या है। दोस्तों तो ऐसे में आपको हम बता दें कि मोबाइल फ़ोन चार्ज करने का भी कुछ दोस्तों कुछ सही तरीका होता है। अगर गलत तरीके से आप अपना मोबाइल फ़ोन को चार्ज करें तो दोस्तों आपका मोबाइल के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और दोस्तों कभी भी आप अपना मोबाइल फ़ोन को दोस्तों डुप्लीकेट चार्जर से चार्ज ना करें, क्योंकि दोस्तों डुप्लीकेट चार्जर से भी चार्ज करेंगे तो अपना मोबाइल के ऊपर दोस्तों बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों ऐसे में अपना मोबाइल फ़ोन को कैसे चार्ज करना है या मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, उसको लेकर के एक वीडियो हम पहले से बना चुके हैं दोस्तों, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों क्या होगा कि सारे मैटर आपको और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आपका मोबाइल को कभी भी गलत तरीके से चार्ज नहीं करना है और डुप्लीकेट चार्जर से दोस्तों चार्ज नहीं करना है। और दोस्तों कभी भी आप अपने मोबाइल में बिना मतलब वाली ऐप्स सबको इंस्टॉल ना करें। बिना मतलब वाली ऐप्स बोले तो दोस्तों हाँ फ्लैश लाइट, हाँ दोस्तों आप अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है दोस्तों बिना किसी ऐप्स के मदद से आप आराम से खुद से उसको ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए बिना मतलब के एक पार्टिकुलर ऐप्स डाउनलोड करने का क्या जरूरत है दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आमतौर पर ऐसे देखने को मिलता है जब भी आप कोई फ्लैश लाइट जो है ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तों वो क्या करता है कि आपका मोबाइल से बहुत सारे परमिशन मांग लेता है, जैसे कि दोस्तों GPS के परमिशन, गैलरी के परमिशन, मैसेज रीड करने का परमिशन, कॉन्टैक्ट रीड करने का परमिशन, ये सब चीज़ दोस्तों आपसे मांग लेते हैं। मतलब दोस्तों वो जो फ्लैश लाइट ऐप्स है दोस्तों उसको खाली फ्लैश लाइट ऑन करने का परमिशन चाहिए, लेकिन दोस्तों वो आपसे कॉन्टैक्ट रीड करने का परमिशन मांग ले रहा है, वो आपसे गैलरी का परमिशन मांग ले रहा है, वो आपसे GPS का परमिशन मांग ले रहा है। दोस्तों ये सबको उसको क्या जरूरत है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपका जो पर्सनल डाटा या पर्सनल फोटो वगैरह, पर्सनल मैसेज या पर्सनल कॉन्टैक्ट वगैरह है दोस्तों वो बाहर में लीकेज होने का डर रहता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो बिना मतलब वाली ऐप्स है दोस्तों वो सब ऐप्स को दोस्तों आप अपने मोबाइल में बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। और दोस्तों आप अपना मोबाइल को कभी रूट ना करें। मेरा कहने का मतलब दोस्तों आप अगर एक क्रिएटिविटी बंदा है, बहुत सारा चीज़ दोस्तों आप मोबाइल के बारे में जानते हैं, बहुत सारा चीज़ आप मोबाइल के साथ करते रहते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और दोस्तों ऐसे में दोस्तों आपको अगर रूट करने का जरूरत पड़ जाए तो दोस्तों आप मोबाइल को रूट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अगर रूट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप रूट के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हैं और बिना मतलब के आप अगर अपना मोबाइल को रूट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों हम कहेंगे ऐसे में आप अपना मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल ही रूट ना करें,
क्योंकि दोस्तों सबसे पहले कारण तो ये है कि दोस्तों रूट करने से आपका मोबाइल का जो वारंटी है दोस्तों खत्म हो जाता है। और दोस्तों रूट करने के बाद आपका मोबाइल जो है दोस्तों आराम से हैक हो सकता है, कोई भी बंदा आपके मोबाइल में बहुत ही आराम से वायरस भेज सकता है और आपका मोबाइल का कंट्रोल दूसरा किसी के पास आराम से दोस्तों जा सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपना मोबाइल को रूट ना करें। दोस्तों ऐसे में रूट करने को लेकर के एक वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ कि आपको मोबाइल को रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किस कारण से करना चाहिए, और करना नहीं चाहिए तो किस कारण से नहीं करना चाहिए। इसका बारे में दोस्तों एक वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उस समय क्या हुआ कि दोस्तों आपको जो है रूट के बारे में और भी ज़्यादा अच्छा से नॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक ऐप्स अवेलेबल है, तो दोस्तों आप अपना मोबाइल में कभी भी कोई फेक ऐप्स इंस्टॉल ना करें। दोस्तों ऐसे में फेक ऐप्स के मतलब जैसे कि मान के चलिए फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐप्स, जैसे कि आपका आयरिस स्कैनर ऐप्स, जैसे कि फेस अनलॉक ऐप्स, तो दोस्तों ये सारे चीज़ को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है ही नहीं, तो दोस्तों ऐसे में कोई एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर दोस्तों आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट का काम कैसे कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फिंगरप्रिंट जो सेंसर है तो एक हार्डवेयर होता है, तो दोस्तों कभी भी कोई सॉफ्टवेयर दोस्तों यहाँ जो फिंगरप्रिंट सेंसर का काम बिल्कुल ही नहीं कर सकता जब तक दोस्तों आपका मोबाइल में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर ना हो। सेम टू सेम दोस्तों आयरिस स्कैनर, अगर आपका मोबाइल में आयरिस स्कैनर है ही नहीं तो दोस्तों कैसे कोई सॉफ्टवेयर आपका मोबाइल में आयरिस स्कैनर काम कर सकता है। दोस्तों ये सब जो है फेक एप्स होता है, ये सबको दोस्तों बिना मतलब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। क्योंकि दोस्तों जब ये सारे एप्स आपको मोबाइल में रन होगा तो दोस्तों क्या होगा कि आपका मोबाइल का रैम की यूज करेगा, आपका मोबाइल का बैटरी को यूज करेगा, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस जो है दोस्तों वो कम हो जाएगा, मतलब पहले जैसा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दोस्तों आपका मोबाइल नहीं दे पाएगा। इसीलिए दोस्तों ये सारे फेक ऐप्स को दोस्तों आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। और दोस्तों कभी भी आप अपने मोबाइल में बैटरी सेवर ऐप्स का यूज बिल्कुल ही ना करें, मतलब दोस्तों बैटरी सेवर ऐप्स को आप अपने मोबाइल में बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, जो ऐप्स आपका मोबाइल में चलने के लिए बैटरी का यूज कर रहा है वो दोस्तों आपका मोबाइल का बैटरी को कैसे सेव करेगा, मतलब दोस्तों खुद बैटरी को यूज कर रहा है, खुद दोस्तों बैटरी को पी रहा है, वो दोस्तों बैटरी को सेव कैसे करेगा। ऐसे में दोस्तों बिना किसी ऐप्स के मदद से कैसे आप अपने मोबाइल फोन का बैटरी को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो हम पहले से बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोस्तों ये चीज़ को और भी अच्छा से समझने के लिए दोस्तों वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों कभी भी आप अपने मोबाइल में जो है दोस्तों एंटीवायरस ऐप्स का इंस्टॉल ना करें, मतलब दोस्तों कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि प्ले स्टोर से कहीं से भी दोस्तों एंटीवायरस को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका मोबाइल में एंटीवायरस का जरूरत है ही नहीं, और ऊपर से दोस्तों क्या होगा कि वो जो एंटीवायरस वाले ऐप से आप बिना मतलब का आपका मोबाइल के स्क्रीन पर ऐड शो करते रहेगा, और दोस्तों वो आपका रैम की यूज करके आपका बैटरी की यूज करेगा, उस समय क्या होगा कि आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस दोस्तों और भी घट जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप अपने मोबाइल में कभी एंटीवायरस का इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों बिना किसी ऐप्स के मदद से आप अपना मोबाइल में कैसे वायरस आने से रोक सकता है, इसके बारे में भी एक वीडियो हम पहले से बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर कुछ वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये सारी चीज़ आपको और भी अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों कभी भी आप अपने मोबाइल में अननोन सोर्स को इंस्टॉल ना करें, मतलब दोस्तों कोई भी ऐप्स जो प्ले स्टोर में नहीं है वो ऐप्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी ऐप्स बाहर कहीं से कोई भी ब्राउजर से सर्च करके डाउनलोड कर लेते हैं, और वो ऐप्स जो है दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में नहीं होता है, तो दोस्तों ऐसे में वो ऐप्स को आप अपने मोबाइल में बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐप्स अगर गूगल प्ले स्टोर में नहीं है, इसका मतलब दोस्तों वो ऐप्स में कुछ खराबी है, इसका वजह से दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में ऐप्स को जगह नहीं मिला। इसीलिए दोस्तों जो भी ऐप्स प्ले स्टोर में नहीं है वो ऐप्स को दोस्तों आप अपने मोबाइल में बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। इसमें क्या होगा कि आपका जो पर्सनल जानकारी है दोस्तों वो सारी चीज़ दोस्तों बाहर लीक हो सकता है, आपका जो है मोबाइल में दोस्तों वायरस वगैरह आ सकता है वो ऐप्स के द्वारा। और भी दोस्तों बहुत सारे चीज़ें हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों सारे चीज़ को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए दोस्तों जो मेन मेन चीज़ें हैं, जो दोस्तों मेन मेन बातें हैं, वो सारी चीज़ दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सारे चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारे चीज़ आप समझ चुके होंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है या दोस्तों ऐसा कोई चीज़ है जो हमसे छूट गया हो, तो दोस्तों उसके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जोर से जोर कोशिश करेंगे उस चीज़ के बारे में आपको बताने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और दोस्तों आगे चल के वीडियो आपके लिए काम का साबित होगा। दोस्तों अगर आज के इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए आपके फैमिली वाले आपके दोस्त के साथ, ताकि ये जरूरी जानकारी के बारे में उन लोगों को भी पता चले। और दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।